नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की फटाफट मार्केट न्यूज़। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 में किस तरह से आज हमें गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आप देख सकते हैं एंड हुआ आज 470 पॉइंट्स के डिप के साथ। वहीं बात करूँ निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 भी आज देख सकते हैं हम 14,300 के लेवल के नीचे ही क्लोज देखने को मिला है। वहीं बात करें तो मेजर जो आज डिस्ट्रॉयर थे वो थे मेटल सेक्टर, तो मेटल सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा क्रैकिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करते हैं FIIs और FPIs की डेली एक्टिविटी पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं FIIs ने आज फिर से जो नेट वैल्यू है आप देख सकते हैं वाइंग में है, यहाँ पे पॉजिटिव में ही जो मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन DIIs हैं उन्होंने भी कुछ ज़्यादा माल नहीं बेचा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं FIIs की तरफ से कुछ हमें ज़्यादा हरकत होती हुई देखने को नहीं मिली। अगर यही यहाँ पर ये ज़्यादा सेलिंग कर देते तो और भी मार्केट हमें लुढ़कती हुई देखने को मिल सकती थी। बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं IRFC का IPO मार्केट में लॉन्च हो चुका, आपको पता आज से स्टार्ट हो चुका है। जिसका बेसिकली कट ऑफ प्राइस है वो आपको पता 26 रुपीज़ है। तो अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी आपको पता बजटरी सेशन है, बजटरी सेशन के दौरान मैक्सिमम टाइम पे मार्केट क्रैश ही करता है, तो क्योंकि बिग इन्वेस्टर्स को भी उस टाइम पे मार्केट में एंट्री लेनी होती है। तो अभी आप चाहें तो IRFC के IPO पे अपना फोकस रख सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाना चाहते हैं यहाँ पे तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है 1-1.5 रुपये का। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो RBI की तरफ से न्यूज़ है, RBI फॉर मोर मेजर्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस एट बैंक्स NBFCs शक्तिकांता दास। तो आप देख सकते हैं RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास उनकी तरफ से कुछ बातें क्लियर हुई। उन्होंने कहा है कि दे वांट टू टेक RBI टू टेक मोर मेजर टू इम्प्रूव गवर्नेंस एट बैंक्स एंड NBFCs, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है येस बैंक का एक बहुत बड़ा जो हमें फ्रॉड देखने को मिला था, फेलियर होता वो देखने को मिला था। इसके बाद हमने देखा कैसे लक्ष्मी विलास बैंक को DCB में मर्ज किया गया। तो ऐसे बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं वो कोलैप्स होते हुए देखने को मिले, और भी बैंक्स ऐसे कोलैप्स ना हो इसलिए उनकी तरफ से बातें क्लियर हुई हैं कि दे नीड ए गुड गवर्नेंस इन द बैंक्स, चाहे वो PSU हो या फिर आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, तो MindTree से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो MindTree आपको पता IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Q3 रिजल्ट इनके नेट प्रॉफिट सर्ज हुआ है वहीं पे 66% टू ₹326.5 करोड़। बात करें रेवेन्यू के तो रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं कंपनी के 3% अप है। दोस्तों आपको पता अभी जो दौर चल रहा है वो IT सेक्टर का चल रहा है, हमने देखा है IT सेक्टर की हर एक कंपनी में अभी आग लगी हुई है। आप चाहें तो थोड़ा फोकस रखिए, एक बार थोड़ा मार्केट को ट्रेंड देखिए, उसके बाद ही आपको जो भी IT सेक्टर बहुत ज़्यादा भाग चुका है उसमें एंट्री लेनी चाहिए। FIIs की बात करें तो FIIs ने बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्यूज़ आप देखते हैं रिकॉर्ड किया है ₹1.51 लाख करोड़ इनटू इंडियन मार्केट सिंस मार्च। लो मार्च में आपने देखा था किस हिसाब से इन्होंने FIIs ने माल बेचा था, अप्रैल में भी ऐसा ही हाल था, उसके बाद से कंटिन्यूसली हमें बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये नेट वैल्यू जो है वो मार्केट में इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी ज़्यादा मार्केट हो चुकी है। अगर ये ऐसे ही स्पीड से अगर पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो मार्केट और भी तेज़ी से गिर सकता है। न्यूरिका को भी SEBI का अप्रूवल मिल गया है 400 करोड़ IPO, देख सकते हैं 100 करोड़ रुपीज़ का ये IPO लेके आ सकते हैं। आप देख सकते हैं IPO कंपनीज इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹100 करोड़ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद SEBI शोल। तो अभी ये देखना होगा कभी अपना IPO लॉन्च करते हैं, देखना होगा कि मार्केट में ये किस हिसाब से इसको रिस्पॉन्स मिलता है। येस बैंक से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों, तो येस बैंक बोर्ड टू मीट ऑन January 22 टू कंसिडर फंड रेजिंग। तो येस बैंक से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों, तो येस बैंक आप देख सकते हैं जल्दी 22 जनवरी को फंड रेजिंग से रिलेटेड न्यूज़ पे आप देख सकते हैं भाग भी सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। तो दोस्तों अभी का जो येस बैंक है वो टोटली डिफरेंट है पुराने वाले येस बैंक में, क्योंकि इसके ऊपर जो मेजर रूलिंग पार्टी है वो अभी SBI है, और जो पुराना वाला येस बैंक था उसमें आपको पता है किस हिसाब से हमें फ्रॉड होता हुआ देखने को मिला था, प्रॉपरली जो भी प्रोविजनिंग की थी वो भी RBI को नहीं बताई गई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे नेगेटिव चल रही थी। अभी आप चाहें तो येस बैंक को अपना फोकस में रख सकते हैं, बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत बताना, हो सकता है वो काफ़ी टाइम तक कहीं भी स्टडी भी घूमता रहे। रिलायंस इंडस्ट्री से न्यूज़ दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री शेयर भी आज हमें तेजी देखने को मिली, तो मेन रीज़न था बिकॉज दे आर गोइंग टू इम्बेड जियो मार्ट इन टू व्हाट्सएप। तो जल्दी ही विद इन 6 मंथ दे विल डू दिस, और देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री शेयर एंड ओवर 2% हायर। MED रिपोर्ट सेट मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल प्लान्स टू एम्बेंड इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन जियो मार्ट इन टू व्हाट्सएप विद इन 6 मंथ। तो हो सकता है कि जितना भी इनका मार्केटिंग वाला काम है जो बेसिकली जियो मार्ट को जैसे ही व्हाट्सएप से कर देंगे तो व्हाट्सएप से ये जो भी इनको ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म चाहिए होगा वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। L&T से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं L&T लगातार सुर्खियों में है। एक और न्यूज़ देख सकते हैं L&T ने
5000 करोड़ का आप देख सकते हैं आरबीएनएल से इन उत्तराखंड में इनको एक ऑर्डर मिला है। दोस्तों आप देख सकते होंगे एलएनटी लगातार हायरिंग भी करती जा रही है, इनको ऑर्डर्स तो लगातार कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं। बट एलएनटी कैसा स्टॉक है, एक लो बीटा स्टॉक है, चलता स्लो है बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जरूर देखे जाएगा। आप चाहें तो इसको अपनी फोकस में जरूर रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, ट्राइडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो ट्राइडेंट में भी आप देख सकते हैं Q3 के जबरदस्त नतीजे रहे। आप देख सकते हैं ट्राइडेंट गेंस आफ्टर Q3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जूम्स 2200% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ट्राइडेंट आप देख सकते हैं अभी ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। बात करूँ मार्च अप्रैल में ये स्टॉक 4 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से इसने रफली पकड़े तो 350% के रिटर्न ऑलरेडी दे दिए हैं। अभी आप चाहें तो जस्ट इसको अपनी फोकस में रखिए क्योंकि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा मोटर से रिलेटेड, टाटा मोटर टाइस अप विद बैंक्स NBFCs फॉर कमर्शियल कस्टमर। तो टाटा मोटर जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स और NBFCs के साथ डील कर रहा है क्योंकि ये इनकी भी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसको बेचने के लिए। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ टाटा मोटर अब में बहुत ज़्यादा तेजी भी आ चुकी है, आप चाहें तो अब इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इन्फोसिस से रिलेटेड न्यूज़ है, इन्फोसिस अचीव्स गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स। तो इन्फोसिस आपको पता है अगर मैं बात करूँ TCS के बाद अगर मुझे कोई कंपनी पर्सनली पसंद है तो इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस भी आप देख सकते हैं पार्टनरशिप यहाँ पे कर रही है फॉर गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन इन द डेटा एंड एनालिटिक स्पेस। इन्फोसिस अचीव दिस रिकॉग्निशन बाय सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेटिंग एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑन गूगल क्लाउड इंक्लूडिंग डेटा इंटीग्रेशन स्ट्रीमिंग क्वेरिंग एक्सप्लोरेशन एनालिसिस स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑन क्लाउड। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस ने लगातार जिस हिसाब से अपना मार्क इवन हमने देखा था मार्च अप्रैल में लो बनाने के बाद किस हिसाब से तेजी दिखाई है, ऑलरेडी हम देख सकते हैं 100% के ऊपर के रिटर्न भी इन्फोसिस से हमें देखने को मिल चुके हैं। TCS से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों, TCS बिल्डिंग ए फ्यूचर रेडी टैलेंट क्लाउड। तो यहाँ पर TCS जो भी क्लाइंट्स की जो इन फ्यूचर में क्या कैसी डिमांड्स आ सकती हैं, कैसी क्वेरीज रह सकती हैं, किस हिसाब से इन क्वेरीज को रिजोल्व करना है, तो TCS उसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मॉडल्स बन रहे हैं जिससे कि क्लाइंट की जो नीड्स हैं वो टाइमली एग्जीक्यूट हो सकें। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ है, वोडाफोन आइडिया इन टॉक्स टू ऑफर ट्रैकिंग टेक टू वैक्सीनेशन कंपनीज। तो ये एक आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया को यहाँ से एक मेजर बूस्ट मिल सकता है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया इन टॉक्स विद द टॉप COVID-19 वैक्सीन मेकर्स इंक्लूडिंग सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक टू ऑफर ए होस्ट ऑफ IoT सोल्यूशंस एंड सेंसर्स फॉर डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ वैक्सीन सप्लाई चेन। तो ये हेल्प करेगा इन कंपनीज को ताकि ये वैक्सीन सप्लाई चेन को ट्रैक कर सकें इन रियल टाइम बेसिस एंड इवन मॉनिटरिंग द टेम्परेचर ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ सच वैक्सीन इन ट्रांजिट। और जो आपको पता है ये वैक्सीन जब इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका जो टेम्परेचर होना चाहिए, आपको पता है COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड कम टेम्परेचर पर रखा जाएगा, तो किसने टेम्परेचर पर कौन सी वैक्सीन अभी अवेलेबल है वो सारी चीज़ें भी यहाँ से हमें ट्रैक होती हुई देखने को मिल सकती हैं। वोडाफोन आइडियाज बिजनेस एंटरप्राइज यूनिट हैज़ डेवलप्ड द IoT सोल्यूशन एंड वैक्सीन टेम्परेचर सेंसर। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें वोडाफोन आइडिया की तरफ से हमें होती हुई देखने को मिल चुकी हैं। भारतीय एयरटेल प्लान्स टू रेज $1 बिलियन थ्रू परपेचुअल बॉन्ड्स। तो भारतीय एयरटेल भी आप देख सकते हैं लगातार कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे कि लगातार इनका फुटप्रिंट बढ़ सके। भारतीय एयरटेल ARPU में भी मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही नंबर वन आ जाएगा और अपना जो भी इनका ड्यू है वो भी सबसे पहले यही क्लियर करता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं एमिड इजी ग्लोबल लिक्विडिटी एंड लो US बॉन्ड यील्ड्स भारतीय एयरटेल इज प्रिपेयरिंग टू रेज $1 बिलियन विद एन ऑफर ऑफ परपेचुअल बॉन्ड सिक्योरिटीज विद नो मैच्योरिटी डेट फॉर इन्वेस्टर्स। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें भारतीय एयरटेल की तरफ से आती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। हमें अभी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट में किस पे फोकस रखना है, ARPU पे मेन रखना है जो लास्ट क्वार्टर में 162 था। तो देखना होगा कि अगर ये 180 से 190 के बीच में अगर जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि अगर ये 180 को क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली एयरटेल के लिए काफ़ी अच्छी वो पॉजिटिव पॉइंट लेके आ सकता है इन नियर बाई फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मैक्सिमम मैंने न्यूज़ कवर कर दी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।